कल पूरे राजस्थान में रीट की परीक्षा का एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है और इसी क्रम में फतेहपुर में भी बहुत सारे परीक्षार्थी आने वाले हैं और इन परीक्षार्थियों को उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाना, उनको हर तरह से असिस्ट करना, गाइड करना और इसी दृष्टि से सफल परीक्षा का आयोजन कराना, इस तरह से पुलिस सभी दृष्टियों को मद्देनजर रखते हुए पूरी तरह से मुस्तैद है और हम लोगों ने हमारा जो पुलिस का जो स्टाफ है वो सेंटरों पे रवाना हो जाएगा और जो परीक्षार्थी आएंगे उनके रुकने की व्यवस्था फतेहपुर के अंदर बहुत से लोगों ने जो है अपनी अपनी कुछ ट्रस्ट वालों ने और कुछ धर्मादा लोगों ने जो है वो अपनी अपनी धर्मशालाओं में और उनके जो बड़े बड़े सदन हैं उनमें उनकी रुकने की और खाने की व्यवस्थाएं की हैं। हमारे फतेहपुर के अंदर एक अस्थायी बस स्टैंड बनाया गया है जिसमें RTO की तरफ से जो है बसों को अधिकृत किया गया और उस बस में परीक्षार्थियों को उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था रखी गई है और बस स्टैंड से परीक्षार्थियों को परीक्षा स्थल तक जाने के लिए हम लोगों ने जो है यहाँ के टेम्पो यूनियन से बात करके और उनको दिशा निर्देश देके और उस दिन व्यवस्था बनाने के लिए उनको हमने निर्देशित किया। इसमें टेम्पो यूनियन वालों ने भी जो है व्यवस्था में सहयोग करने का पूरी तरह से कहा है और बस स्टैंड से लेके और विभिन्न परीक्षा स्थलों तक वो टेम्पो या अन्य साधन से वो लोग जा सकते हैं। सर, नकल रोकने के लिए किस प्रकार की? नकल रोकने के लिए हमारे सेंटर्स पे जो है पुलिस का जाप्ता रहेगा और जो टीचिंग का जो स्टाफ है वो भी रहेगा। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमारा जो स्टाफ है वो फ्रिस्किंग करेगा, जो एक चेकिंग है वो चेकिंग करके ये सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह का कोई भी इक्विपमेंट जो परीक्षा में नकल कराने में मदद करता हो वो इस तरह की कोई चीज़ अंदर नहीं जाए और जो दिशा निर्देश विभाग की तरफ से हैं उसी ड्रेस कोड में और उसी प्रक्रिया के तहत वो परीक्षार्थी अंदर जाए। किसी भी तरह का ब्रॉडबैंड, इंटरनेट और ब्लूटूथ इस तरह के कोई डिवाइस जो है वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है। मोबाइल फ़ोन कतई जो है वो अलाउ नहीं किया गया है। इवन जो जिस परीक्षा केंद्र में परीक्षा हो रही है तो वहाँ का जो स्टाफ है वो भी मोबाइल नहीं रख पाएंगे, सिर्फ एक जो ऑब्जर्वर को अलाउ किया गया है वो अपना मोबाइल रख पाएगा वहाँ पे। और इस तरह से जो है उसको हम ये उम्मीद करते हैं कि इस तरह की प्रक्रिया करके ये नकल को रोका जा सकता है और प्रॉपर फ्रिस्किंग होगी। गर्ल्स की अलग फ्रिस्किंग है, जो पुरुषों की अलग तरह से फ्रिस्किंग होगी, तो फिर उसमें कोई भी इस तरह की जो अनवांटेड चीज़ है, ऑर्नामेंट्स हैं और जो चीज़ें हैं जो प्रतिबंधित की गई हैं उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। और सभी परीक्षार्थियों से ये आग्रह किया जाता है आपके माध्यम से कि वो अपना मोबाइल फ़ोन जो है वो परीक्षा सेंटर पर लेकर नहीं आए, जिस स्थान पर रुके हुए हैं उसी स्थान पर रख के आए ताकि उनको असुविधा नहीं हो और अपना कोई ज्वेलरी है, कोई गहने हैं, कोई पैसे हो, इस तरह की सामग्री है वो अपना उसी स्थान पर सुरक्षित रख के आए जहाँ जिस स्थान पर रुके हुए हैं। और उसके बाद हमारा जो खास करके जो लोड रहेगा वो जब परीक्षा हो चुकी होगी, जब एग्जिट का समय आएगा तो उसकी भी व्यवस्था हमने की है कि एग्जिट के समय जो है परीक्षा सेंटरों के आसपास हमने टेम्पो वालों को जो है वो निवेदन करके और उनको ये कहा है कि परीक्षार्थियों को परीक्षा सेंटर से लेके और बस स्टैंड तक पहुँचाने का जिम्मा उनको दिया गया, वो अपना कोई निर्धारित शुल्क लेके परीक्षार्थी को बस स्टैंड तक छोड़ेंगे। और परीक्षा बस स्टैंड पर आने के बाद में यहाँ पर RTO द्वारा जो अधिकृत की गई बसें हैं वो बसों में परीक्षार्थियों को बैठा के और उनको गंतव्य स्थान पर रवाना किया जाएगा। ये इस तरह की व्यवस्था की गई है और किसी भी इसमें जो है हमने SHO हमारे जो फतेहपुर हैं वो उदय सिंह जी, इन्होंने अपने व्यापार मंडल वालों से बात करके और उनको उस दिन जो है मार्केट बंद रखने का आग्रह किया जिस पर उन्होंने सहमति दी है और उस दिन आवश्यक सेवाओं को छोड़ के बाकी सारा मार्केट बंद रहेगा, तो वो यहाँ की जनता का भी उसमें सहयोग है, इस तरह से हम लोग पीसफुल जो है ये प्रोग्राम करा सकेंगे।